नमस्कार, राकेश नाम है मेरा और आप प्रयास न्यूज के इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पे देख रहे होंगे। आज तारीख है 15 जून, यानी आज के दिन ही बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है। कल से अध्यादेश के अनुसार बिहार में पंचायती राज की जो है व्यवस्था चलेगी। ऐसे में आज के ही दिन पंचायत से जुड़े हुए वार्ड सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वार्ड सदस्यों का जो मानदेय अब 500 रुपया था उसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है। बिहार के चुनाव आयोग के द्वारा ये संकेत मिले हैं कि नवंबर तक बिहार में चुनाव हो सकता है। ऐसे में आज जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो बिहार के पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो है बताया गया कि मानदेय में जो है वार्ड सदस्य का बढ़ोतरी हुआ है, ये अब 500 से 5000 तक जा सकता है। ये 500 से 5000 कैसे जाएगा, ये जो है बिहार के पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी ने बताया है। वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बिहार कैबिनेट की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में जो वार्ड सदस्य हैं इनको अभी तक मात्र 500 रुपया मिलते थे। अब हम लोगों ने नल जल योजना के प्रावधान के तहत, क्योंकि गांव में इसके मेंटेनेंस की भी जरूरत है, नल जल योजना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 फाइनेंस के माध्यम से जो बिहार को राशि उपलब्ध हो उसके माध्यम से अब वार्ड सदस्य को पहले 500 रुपया मिलता था। अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 2000 रुपया अतिरिक्त तौर पर उनको मानदेय मिलेगा और वो यदि नहीं तैयार होंगे इस कार्य को करने के लिए, मेंटेनेंस को करने के लिए, तो वार्ड प्रबंधन समिति के जो दूसरे सदस्य हैं इसको काम को देखने का काम कर सके। और 2000 रुपया 15 फाइनेंस से मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाएगा, साथ ही साथ लगभग 200 घर होता है, हाउस होल्ड होता है एक वार्ड में, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसमें प्रत्येक घर से 30 रुपये के दर से, मतलब प्रत्येक दिन 1 रुपये की दर से हम लोग हाउस होल्ड से राशि उपलब्ध कराएंगे और इसका जोड़ लगभग 6000 से अधिक वसूली का काम वार्ड सदस्य के माध्यम से होगा। ऐसे परिस्थिति में सभी वार्डों को, वार्ड सदस्य को 5000 से अधिक राशि उपलब्ध हो पाएगी और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए भी लगभग 5000 से अधिक राशि उपलब्ध होगा, जिससे कि वार्ड में बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जो छोटे मोटे नल का काम बचा होगा या पाइपलाइन की आवश्यकता होगी वो सारे काम किए जाएंगे। इसलिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, पंचायत के, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि गांव को किस तरह शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार में जो है वार्ड सदस्यों की मानदेय को किस तरह से बढ़ाया गया है, आगे जो है नल जल योजना को किस तरह से चलाया जाएगा, मरम्मत का कार्य किसके जिम्मे है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे प्रयास न्यूज के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।